हे दोस्तों, यहाँ पर बहुत लोगों को इंतजार था कि जियो फोन 3 कब तक आएगा, कब तक आएगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई जियो फोन 3 मुझे लेना है लेना है, लेकिन कब तक आएगा, हमें जियो फोन 3 कब तक देखने को मिल जाएगा और क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन से जो हमें इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लॉन्च डेट है वो कन्फर्म हो चुका है। इसका लॉन्च डेट क्या होने वाला है, यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तभी आप जान पाएंगे कि आपको इस फ़ोन के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाएगा और बहुत ही कमाल का होने वाला है जियो फोन 3। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जानते हैं कि आपको इसके अंदर क्या मिलने वाला है और कब ये लॉन्च होने वाला है। चलिए शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता हूँ और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल जाए और हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले से आपको पता है कि जियो फोन 1 आया, जैसा कि आप देख सकते हैं जियो फोन 1 आया, जियो फोन 2 आया और उसके बाद अब नंबर है जियो फोन 3 का। तो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर कोई फीचर फ़ोन नहीं होने वाला, यहाँ पर आपको एक सिंपल सा एक स्मार्टफोन रहने वाला है जो होगा 16:9 वाला एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले। यहाँ पर आपको कोई भी नॉच वाला डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, सिंपली यहाँ पर आप एक यहाँ तो जो पहले स्मार्टफोन आते जैसे इस तरह से देखते थे तो मोटा मोटा बेजल से, इस तरह का आपको स्मार्टफोन मिलने वाला है वो भी 5 इंच का, इसमें फुल HD डिस्प्ले देखने मिल जाएगा। जैसा कि निकल के रूम सामने यहाँ पर HD हो सकता है या फुल HD हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो डिस्प्ले हुआ वो 720p को ही सपोर्ट करेगा। चलिए हम रैम की बात कर लो तो यहाँ पर आपको इस फ़ोन के अंदर 2 GB का रैम मिलने वाला है और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर SD कार्ड लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको एक्सपेंडेबल SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसके अंदर ड्यूल सिम सपोर्ट मिलेगा, जो इसका रेगुलर प्राइस है 4500 बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर 4500 में फ़ोन मिलेगा, लेकिन जब आपको ऑफर्स मिलेगा या कैशबैक मिलेगा तो यहाँ पर बहुत ही कम इसका प्राइस हो जाएगा। तो सोचिए कितना कमाल होने वाला है। और बहुत लोग बोलेंगे कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर होगा, क्या हम इसमें पबजी खेल सकते हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप इस फ़ोन के अंदर पबजी नहीं खेल सकते, क्योंकि यहाँ पर उतना पावरफुल प्रोसेसर नहीं दिया गया और कोई प्रोसेसर का कोई खुलासा नहीं है। सिंपल से इसमें बताया गया कि आपको 1.4 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा, वहीं आपको इस फ़ोन के अंदर से कैमरा मिलने वाला और बहुत ही झकास मिलने वाला, जैसे कि पहले कैमरा देते हैं, यानी आपको रियर में 5 MP का कैमरा मिल जाएगा, वहीं आपको प्लस में LED फ्लैश मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको फ्रंट में भी आपको 5 MP का कैमरा इस फ़ोन के अंदर मिल जाएगा। तो सोचिए कितना कमाल का होने वाला है। अगर हम बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आपको 28 mAh का बैटरी होने वाला है, माइक्रो USB पोर्ट चार्जिंग मिलने वाला है और यहाँ पर आपको साथ साथ एंड्रॉयड गो एडिशन का जो OS मिलने वाला है, जो ओरियो पर वर्क करने वाला है, जो भी लाइट OS होते हैं इसके अंदर इंस्टॉल होंगे, यानी सभी इसमें चलेंगे, लेकिन जो लाइट OS होता है और जो लाइट ऐप होते हैं उनको अच्छे से हैंडल कर पड़ता है, जो कम रैम वाले होते हैं कम स्टोरेज वाले फ़ोन होते हैं यहाँ पर एंड्रॉयड गो एडिशन को यूज किया जाएगा इस फ़ोन के अंदर। तो इसमें आपको इतने सारे ऑफर्स मिलेंगे कि इसका जो प्राइस है वो 1500-2000 के आसपास होने वाला है। यहाँ पर आपको ऐसे एक साल तक यहाँ पर ऑफर्स मिलने वाला है इस फ़ोन के अंदर। तो सोचिए कितना कमाल का होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर फाइनली लॉन्च डेट की बात करें तो बताया जा रहा है कि आपको जून के लास्ट वीक तक ये फ़ोन देखने में मिल सकता है या जुलाई के फर्स्ट वीक तक हो सकता है, यानी आपको 28 जून बताया जा रहा है कि आपको इसका लॉन्च डेट होगा या जुलाई में लॉन्च किया जाएगा, यानी फर्स्ट वीक के अंदर इसे लॉन्च किया जाएगा, जैसा कि रूमर्स निकल के सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों आप बताइए कि आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, क्या रिव्यू है और बताइए कि जियो फोन 3 कैसा होने वाला है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो सुना तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों भी ताकि उन लोगों को पता चल सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के कुछ नए अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।